संयुक्त किसान मोर्चा कोडरमा जिला इकाई के तत्वाधान में प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय घंगरी स्कूल के प्रांगण में सोमवार को विश्वासघात दिवस मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीपीआई के जिला मंत्री प्रकाश रजक ने कहा, नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए बनाए गए तीनों कृषि कानून को आखिर रद्द ही करना पड़ा, यहां तक कि दोनों सदन में भी इसे पास किया गया। ये किसानों की लंबी लड़ाई का परिणाम है। किसानों द्वारा लड़ी गई इस लंबी लड़ाई में लगभग 700 किसान शहीद हुए। तब जाकर नरेंद्र मोदी ने कहा था किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा लगभग 3 महीने बीत चुके लेकिन अब तक सरकार द्वारा एमएसपी कानून नहीं बनाया गया है। ये किसानों के साथ विश्वासघात है। जिप सदस्य महादेव राम ने कहा कोडरमा जिले में अभी भी लाखों किसान दलालों के माध्यम से 11 व 12 रूपये प्रति किलो धान बेच रहे हैं। अगर एमएसपी कानून होता तो किसानों को उचित मूल्य मिलता। उन्होंने कहा सिर्फ जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। सभा को उपप्रमुख वीरेंद्र यादव, महिला नेत्री सोनिया देवी, पुरुषोत्तम यादव, सुदामा यादव, हरि पासवान आदि ने भी संबोधित किया। इसके पूर्व कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली जो विद्यालय परिसर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस मौके पर कयूम अंसारी, अर्जुन यादव, रंजन कुमार रजक, सुभाष रजक, रामकृष्ण शर्मा, शमीम खान, योगेश यादव, पंकज सिंह, डोमन सिंह, गौरी सिंह आदि कई लोग मौजूद थे। सभा की अध्यक्षता महेश सिंह ने की जबकि धन्यवाद ज्ञापन सुभाष रजक ने किया। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा विश्वासघात मनाया जा रहा है। जैसा कि एक साल किसानों ने दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन चलाया और मोदी सरकार को विवश होकर के मोदी सरकार कानून को वापस लेना पड़ा, यह किसानों की जीत हुई, ये पूरे देश के किसानों की जीत हुई। इसी तरह से आज पूरे देश में विश्वासघात मनाया जा रहा है। इसलिए विश्वासघात मनाया जा रहा है जिस मुद्दा को लेकर के किसानों को आंदोलन से उठाया गया था उस पर कायम नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज चेतावनी दिया जा रहा है विश्वासघात कार्यक्रम करके कि मोदी जी अभी भी संभल जाओ, नहीं तो जो 5 राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वहाँ आपका जो है सुफड़ा साफ हो जाएगा। और जब 5 राज्य में सुफड़ा साफ होगा तो आपका जो है 2024 में आप भाजपा कहीं पूरे देश में नजर नहीं आएगी। हम लोग पूरे देश में आज आंदोलन कर रहे हैं, आप विश्वासघात मना रहे हैं और उसी रोशनी में हम लोग आज कोडरमा जिला में अखिल संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा हम लोग ग्राम घंघरी में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए हैं, किसान मजदूर लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पूरे देश में 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए 1 साल 18 दिन किसानों ने धारदार आंदोलन चलाया और दिल्ली के कई बोर्डरों में जमे रहे, जबकि सरकार के तरफ से भारत सरकार के तरफ से उन आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए एक से एक रास्ता अपनाया गया। इसके बावजूद भी किसान अड़े रहे और 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए मांग करते रहे, आंदोलन को तेज करते रहे। देश के विभिन्न इलाकों में महापंचायतें लगी, किसान हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए और 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए विवश किया गया। लास्ट में मोदी ने कहा कि हमसे भूल हो गई है, मैं किसानों के मांगों के साथ विश्वासघात किया है और मैं जो कानून बनाया हूं मैं वापस लेता हूं, और उन्होंने वापस लिया। तब ये किसान के नेताओं ने कहा कि इस तरह से नहीं होगा, पार्लियामेंट और राज्यसभा से आप कानून बनाए हैं, अगर वहां से वापस लीजिएगा तब मैं मानूंगा। तो विवश होकर के मोदी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है दिल्ली में केंद्र की सरकार है, उन्होंने लोकसभा राज्यसभा से इस कानून को वापस लिया और उन्होंने कहा था कि मैं एमएसपी कानून बनाऊंगा और कानून बनाने की बात कहा था, लेकिन आज पूरे देश में किसान विश्वासघात दिवस मना रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में विश्वासघात दिवस इसलिए मना रहा है, उन्होंने कहा था कि हम कानून जल्द बनाएंगे और एमएसपी लागू करेंगे और वो लागू नहीं किया है। इसलिए इस विश्वासघात दिवस के अवसर पर हम किसान लोग मांग कर रहे हैं कि एमएसपी कानून अविलंब बनाया। विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, विश्वासघात दिवस मनाने का आह्वान
भारतीय किसान संघ की ओर से किया गया है, जो मोदी जी हम लोगों को 18 मार्च को आंदोलन समाप्त कराने के लिए हर तरह की बात को मांगा, एमएसपी की गारंटी करने की बात किया, किसानों को तीन काला कानून वापस लेने की बात किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ छल का काम किया, विश्वासघात का काम किया। इसलिए आने वाले समय में इस 5 राज्य के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हवा खिलाना है और नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है। और किसानों के हित में जब तक ये कानून नहीं बनाता है तब तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसान आंदोलनरत रहेंगे और किसान आंदोलन करते रहेंगे। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होती है तब तक हम किसान आंदोलनरत हैं और आंदोलन करते रहेंगे। यही मेरा कहनाम है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।